है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको डीजो वॉच डी प्लस जो रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है एक स्मार्ट वॉच डीजो के तरफ से, और इससे पहले जो है वो डीजो वॉच डी जो है वो लॉन्च किया गया था इंडिया में। डीजो जो है वो रियलमी का सब ब्रांड है और ये ब्रांड जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो आपको प्रोडक्ट देती है। तो इसमें आपको जो है वो डीजो वॉच डी प्लस का जो है वो न्यू वेरियंट जो है वो एड ऑन किया गया है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे जो है वो कॉम्पिटेटिव प्राइस पे इसको लाया गया है। सो गाइस, देखते हैं कि डीजो वॉच डी प्लस और डीजो वॉच डी में क्या क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज है, प्राइस में कितना डिफरेंस है, सब मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डीजो वॉच डी प्लस से। तो इसमें आपको 1.85 इंच का डिस्प्ले मिलता है और डीजो वॉच डी में आपको 1.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे डीजो वॉच डी प्लस में 550 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, डीजो वॉच डी में आपको 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। डीजो वॉच डी में आपको जो है 240x280 पिक्सल्स मिलते हैं एंड डीजो वॉच डी में आपको जो है 240x286 पिक्सल्स मिलते हैं। दोनों ही में आपको कर्व टेम्पर ग्लास मिल जाता है, दोनों ही में आपको 150 वॉच फेसेस मिल जाते हैं और दोनों ही में आपको SPO2 सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह मिल जाते हैं। डीजो वॉच डी प्लस में आपको सेडेंटरी रिमाइंडर मिलता है जो डीजो वॉच डी में जो है वो मेंशन नहीं है। दोनों ही में आपको ड्रिंक वाटर, स्टेप ट्रैकर, कैलोरी काउंटर मिल जाता है, डिस्टेंस ट्रैकिंग जो है वो भी आपको मिल जाएगा दोनों ही में, फ़ोन के GPS के थ्रू ये होगा। और यहाँ पे डीजो वॉच डी प्लस में आपको जो है वो 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एंड डीजो वॉच डी में आपको जो है 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं 110 प्लस। यहाँ पे आपको डीजो वॉच डी प्लस में आपको 300 mAh का बैटरी मिलता है एंड डीजो वॉच डी में आपको जो है वो 350 mAh का बैटरी मिलता है। डीजो वॉच डी प्लस में आपको 14 डेज का बैकअप मिलता है और डीजो वॉच डी में भी आपको 14 डेज का बैकअप मिलता है। दोनों ही को जो है वो कंट्रोल करने के लिए डीजो ऐप का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे दोनों ही में म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल मिल जाते हैं, फाइंड माई फोन मिल जाता है, वेदर फॉरकास्ट आपको दोनों ही फोन में मिल जाते हैं। डीजो वॉच डी प्लस में आपको 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिलता है और डीजो वॉच डी में आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। कलर ऑप्शन आपको दोनों ही में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ पे डीजो वॉच डी प्लस का जो प्राइस है वो है 1999 रुपीज़ और इसका जो है वो फर्स्ट सेल प्राइस रहने वाला है, उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज होगा। और अभी जो है वो डीजो वॉच डी का प्राइस है 2499 रुपीज़ जो इसका प्राइस अभी चल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों स्मार्ट वॉचेज़ में काफ़ी जो है वो 19-20 का फासला रहा है देखने में, जो आप देख सकते हैं इसके जो है वो स्पेक्स वगैरह से। तो यहाँ पे काफ़ी 19-20 का जो आपको फासला मिलेगा देखने में और प्राइस में जो है वो काफ़ी डिफरेंस है, 500 रुपीज़ का अभी डिफरेंस दिख रहा है। मे बी डीजो वॉच डी प्लस का प्राइस आगे सेकेंड सेल से इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अभी जो है आपको 500 रुपीज़ कम में आपको जो है डीजो वॉच डी प्लस देखने को मिलेगा। बट इसमें आपको 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है और कुछ कुछ जो है वो इसमें डिसएडवांटेज जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको 300 mAh का बैटरी मिलता है और उसमें आपको जो है वो 350 mAh का बैटरी मिलता है डीजो वॉच डी में, तो प्लस में आपको 300 mAh का बैटरी मिलता है, प्लस इसमें आपको 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिलता है जो डीजो वॉच डी में आपको 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। तो ये कुछ कुछ जो है वो छोटे छोटे जो है वो डिग्रेड्स किए गए हैं जो देखने में डिग्रेड्स नहीं उतने लगेंगे अगर आपका वैसा यूज़ ना हो तो, बट 500 रुपीज़ आप सेव कर पाएंगे। So guys, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, वहाँ से जाकर आप चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। So guys, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो